तो हेलो मैं राइडर फैमिली दोस्तों, अगर आप भी टीवीएस की राइडर 125 को परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा आप रुक जाइए, क्योंकि टीवीएस अब बहुत ही जल्द अपनी टीवीएस राइडर 125 में बहुत सारे नए अपडेट करने वाला है। इस बाइक में आपको जितनी भी कमियां देखने के लिए मिलती थी वो सारी कमी टीवीएस बहुत ही जल्द फिक्स करके इस बाइक के नए मॉडल 2023 मॉडल को इंडिया में बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कंपनी इस बाइक में क्या कुछ नए चेंजेस करने वाली है, और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस बाइक का जो स्पेशल एडिशन है वो इंडिया में आपको कब तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, टीवीएस एक ऐसी कंपनी है जो समय के साथ अपनी बाइक्स को जबरदस्त अपडेट करती रहती है। बहुत सारे लोगों को टीवीएस राइडर 125 में कुछ मेजर कमियां देखने के लिए मिलती हैं, जो बहुत ही जल्द नए अपडेट के साथ फिक्स होने वाली है। तो दोस्तों, अगर हम इस बाइक के सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें तो वो होगा इस बाइक के फ्रंट हेडलाइट में। दोस्तों, वैसे तो कंपनी इस बाइक में आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप प्रोवाइड करवाती है, लेकिन जो राइडर 125 के यूजर है उन्हें पता होगा कि जब भी वह इस बाइक को रात को राइड करते हैं तो इस बाइक की जो हाई बीम की विजिबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है। इस बाइक की जो हाई बीम है वो प्रॉपरली पूरे रोड को कवर नहीं कर पाती है, जिसके कारण रात को राइडर को बाइक चलाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो फाइनली कंपनी अब बहुत ही जल्दी इस बाइक की हेडलाइट को अपग्रेड करने वाली है, इस बाइक की फ्रंट हेडलाइट की विजिबिलिटी को भी बढ़ाने वाली है। अब इस बाइक की फ्रंट हेडलाइट में आपको बिल्कुल नया डिजाइन देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, और बाइक की जो रात की विजिबिलिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। अगर हम इस बाइक के दूसरे अपडेट के बारे में बात करें तो वो होगा इस बाइक की ब्रेकिंग में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बाइक में आपको ABS देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि इस बाइक का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि जब भी आप इस बाइक को भगाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक डर हमेशा सताता रहेगा कि भाई अगर हम इस बाइक की एकदम ब्रेक लगा देते हैं तो कहीं बाइक स्किड तो ना हो जाएगी। तो इस बाइक की ब्रेकिंग में आपको वो कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा जो आपको होना चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कंपनी बहुत ही जल्द इस बाइक में आपको ABS का फीचर प्रोवाइड करवाने वाली है, जो इस बाइक की ब्रेकिंग को बहुत ही ज्यादा इनहेंस करने वाला है। तो दोस्तों, आज के समय में ABS बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारी सेफ्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा फीचर है, और कंपनी इसी को देखते हुए बहुत ही जल्द इस बाइक के नए अपडेट में आपको ABS प्रोवाइड करवा देगी। दोस्तों, अगर हम इस बाइक के तीसरे अपडेट के बारे में बात करें तो वो होगा इस बाइक के फ्यूल टैंक के मटेरियल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस बाइक का जो फ्यूल टैंक का मटेरियल है वो बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी का है, क्योंकि इस बाइक के फ्यूल टैंक पे बहुत ही जल्दी स्क्रैच आ जाते हैं, और इस बाइक के जो फ्यूल टैंक की बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज्यादा चीप क्वालिटी की है। तो कंपनी अब बहुत ही जल्द इस प्रॉब्लम को भी फिक्स करने वाली है। अब कंपनी इस बाइक के फ्यूल टैंक में हार्ड प्लास्टिक का यूज करने वाली है, जो कि आपको अपाची 164B में देखने के लिए मिलता है, वही सेम टू सेम इस बाइक में भी अब मटेरियल यूज होने वाला है। अगर हम इस बाइक के चौथी अपडेट के बारे में बात करें तो कंपनी इस बाइक में बहुत ही जल्द अब टायर हगर भी प्रोवाइड करवाने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इस बाइक में आपको टायर हगर देखने के लिए नहीं मिलता है, जो कि इस बाइक का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि दोस्तों इस बाइक में टायर हगर ना होने की वजह से यह बाइक बहुत ही जल्द गंदी हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए कंपनी अब बहुत ही जल्द इस बाइक में आपको टायर हगर प्रोवाइड करवाने वाली है, जो कि इस बाइक के लुक को भी काफी ज्यादा इंक्रीज करेगा। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी इस बाइक के स्पेशल एडिशन को बहुत ही जल्द इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लॉन्च करने वाली है। इस बाइक के स्पेशल एडिशन में भी आपको सेम टू सेम फीचर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इस बाइक का जो स्पेशल एडिशन है वो नॉर्मल बाइक से थोड़ा सा यूनिक होने वाला है। उस बाइक में जो कलर कॉम्बिनेशन होने वाले हैं वो नॉर्मल वर्जन से थोड़े से आपको यूनिक देखने के लिए मिलेंगे। तो फाइनली अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग और इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो दोस्तों, अगर इस बाइक में ओबियसली इतने सारे अपडेट होने वाले हैं तो इस बाइक का जो प्राइस अब आपको 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। और अगर हम इस बाइक की लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक आपको 1 से 2 महीने के बीच में कभी भी इंडियन टू व्हीलर मार्केट में देखने के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों, ये सारी अपडेट आपको कैसे लगी, आपका जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सुपर थैंक भी सेंड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं आपसे एक और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय और टेक केयर।